हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपका यहाँ पर कराऊंगा महत्वपूर्ण दोस्तों भौतिक विज्ञान के क्वेश्चनों को। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे फिजिक्स के दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपकी आर्मी टेक्निकल और दोस्तों एनए के लिए खासे महत्वपूर्ण हैं। तो आराम से आप देखेंगे दोस्तों, बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो कॉपी और पेन आप निकाल के आराम से इनको तैयार करेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियोज़ के दोस्तों नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आराम से। आप देखें पहला क्वेश्चन क्या देखता है दोस्तों आपको, एक प्रकाश स्पेक्ट्रम में सही आवृत्ति का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा वाला होगा। आपको देखिए दोस्तों, आवृत्ति मतलब आपका होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का दोस्तों आपको बढ़ता हुआ मतलब आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखना है कौन सा वाला स्पेक्ट्रम यहाँ पर होगा। ये आपका दोस्तों बैग आपको नीचे यहाँ पर रंग दिए हैं, स्पेक्ट्रम दिया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको समझना है फ्रीक्वेंसी होती क्या है दोस्तों। फ्रीक्वेंसी दोस्तों आप इसे वी से या फिर एफ से दोस्तों रिप्रेजेंट करते हैं। ये दोस्तों एक प्रकार से जो आवर्त होते हैं उनकी संख्या को बताता है। ये दोस्तों आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/लैम्डा के। लैम्डा होती है दोस्तों आपकी वेवलेंथ, अर्थात जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है वो लैम्डा है। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो आपका वी है वो लैम्डा के क्या है, विद क्रमानुपाती है, अर्थात दोस्तों आपका लैम्डा जितना बड़ा होगा आवृत्ति उतनी ही कम होगी। और आपको पता है दोस्तों, जो बैगनी रंग होता है उसकी जो आवृत्ति जो तरंग दैर्ध्य होती है सबसे कम होती है, तो इसका मतलब दोस्तों आपकी बैगनी की सर्वाधिक होगी। उसके बाद में किसकी होगी दोस्तों, उसके बाद में आपकी जो उसके बाद में लैम्डा जिनका छोटा होगा उसकी होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप बढ़ते हुए क्रम में देखेंगे। तो इनमें से आपका दोस्तों कौन सा वाला दिखता है, देखिए बढ़ते हुए क्रम में ये दोस्तों आपको सी वाला दिखता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपका लाल रंग होता है उसकी जो लैम्डा होती है दोस्तों वो सबसे बड़ी होती है, तो उसका दोस्तों आपकी आवृत्ति क्या होगी, सबसे छोटी हो जाएगी। फिर वैसे ही आप पीले में जाएंगे, फिर हरे में जाएंगे, फिर बैगनी में जाएंगे। बैगनी की दोस्तों जो आवृत्ति होती है सर्वाधिक होती है और जो लैम्डा होता है सबसे कम होता है। इसको आप याद कैसे रखेंगे दोस्तों, क्रम को आप कैसे पता करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको हमने बताया था बै नी आ ह पी ना ला। अब इस क्रम में दोस्तों आप याद रखेंगे, देखिए बै नी आ ह पी ना ला, तो आराम से आप बता देंगे। ये दोस्तों आपका बढ़ते हुए क्रम में है दोस्तों। यदि आप यहाँ पर देखिए लैम्डा के क्रम में देखें तो ये वेव लेंथ के बढ़ते हुए क्रम में है। बैगनी की सबसे कम वेव लेंथ हो गई और आवृत्ति दोस्तों सबसे ज़्यादा हो गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा। देखिए लाल आता है, लाल आपका आ गया पहले, उसके बाद में देखिए आपका पीला आता है, पीला आ गया, उसके बाद में आपका देखिए हरा आता है, यहाँ पर आपको हरा इसके बाद में आ गया, और फिर आपका बैगनी। तो जो भी आपको रंग दिए होंगे दोस्तों आपको श्वेत प्रकाश के, आप आराम से बता देंगे। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखता है दोस्तों, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वन कूलाम में दोस्तों, कूलाम आपको पता होगा दोस्तों आवेश का मात्रक होता है, तो वन कूलाम में दोस्तों आपको बताना है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा दोस्तों एक फॉर्मूला होता है हमारा, क्यू बराबर दोस्तों होता है एन ई, अर्थात आवेश बराबर दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। जितने भी दोस्तों आपके इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आपका आवेश होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको एन पूछा गया, संख्या पूछी गई, तो आप एन बराबर निकालेंगे क्यू अपॉन ई। और यहाँ पर देखिए आपको आवेश क्या दिया है, वन कूलाम दिया, तो आपका क्यू बराबर वन है। और ई बराबर दोस्तों आपको पता होगा एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है दोस्तों वो आपका होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम। यहाँ पर आपका कूलाम आप याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप 10⁻⁴ को माइनस को ऊपर ले जाएंगे तो आपका प्लस बन जाएगी, और 1.6 का दोस्तों आप जब भाग देंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको मिलेगा लगभग दोस्तों आपका 0.625 और इंटू दोस्तों आपका 10⁻¹⁹ हो जाएगा। ये दोस्तों आपके यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि आप जब माइनस को दोस्तों नीचे वाली पावर को ले जाते हैं ऊपर, तो वो दोस्तों आपका अपोजिट साइन हो जाता है। यदि आपका माइनस था तो आपका प्लस हो गया, यदि आपका यहाँ पर प्लस होता दोस्तों तो आपका माइनस हो जाता। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको आप दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको आप दोस्तों 6.25 कर देंगे इंटू दोस्तों आपका एक पावर आप कम कर देंगे तो आपका 10⁻¹⁸ हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों आपका इसी का फॉर्म है, लेकिन लिखने का थोड़ा सा तरीका आपका ये सही माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिखता है दोस्तों आपको, ऑप्शन नंबर आपको बी वाला दिखता है, तो आप बी वाले में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, जो आपका अगला क्वेश्चन दिखता है यहाँ पर, एक निश्चित दूरी पर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच की वैद्युत बल आपको एफ न्यूटन में दिया है, तो इसके आधी दूरी पर दोस्तों स्थित दो प्रोटोनों के बीच वैद्युत बल का मान आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए दो इलेक्ट्रॉन हैं क्यू वन और क्यू टू, दोनों में अपोजिट होगा चार्ज, तो इनके बीच में जो आपका बल लगता है दोस्तों वो आपको एफ न्यूटन का दिया है। अब कहा गया है आपको इनकी आधी दूरी पर, मतलब यहाँ पर आधी कर दी, तो आपने क्यू वन डैश और क्यू टू डैश ये आपका हो गया। ये दोस्तों आपके प्रोटॉन है तो आपका प्लस आवेश होगा, तो इनके बीच का आपको बल बताना कितना होगा। यहाँ पर आपको यदि आपकी आर है तो ये दोस्तों आपका आर बाई टू है, या फिर आप कह सकते हैं आर वन है यदि आपकी दोस्तों, तो ये आपकी आर वन बाई टू है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आप करेंगे क्या,
आपको पता होगा जो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल होता है, विद्युत बल होता है, वो आपका एफ बराबर क्या होता है दोस्तों, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आप यहाँ पर क्लियर देखते हैं दोस्तों, जो आपका बल होता है वो केवल आवेश पर डिपेंड करता है और बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, अर्थात दोस्तों द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। आपको पता होगा दोस्तों इलेक्ट्रॉन और प्रोटोनों में क्या होता है, आवेश बराबर होता है, द्रव्यमान में अंतर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका द्रव्यमान से आपको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों आप क्या करेंगे, इसी में दोनों को रखेंगे और आवेश दोस्तों आपको पता होगा दोनों में क्या है, अपोजिट होता है, क्योंकि जो आपका प्रोटोन है उसमें दोस्तों आपका धनात्मक है और इलेक्ट्रॉन में दोस्तों आपका ऋणात्मक होता है। और यहाँ पर देखिए आपका क्या साइन का अंतर होता है, लेकिन जब आप गुणा करेंगे माइनस माइनस को तो ये दोस्तों आपका प्लस ही हो जाएगा और प्लस प्लस भी आपका प्लस ही होता है। तो आपका यहाँ पर देखिए साइन से भी कोई मतलब नहीं है, तो आप सीधे निकाल देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो आपका कांस्टेंट है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। यदि आप F1 निकालेंगे तो आपका यहाँ पर R1 आ जाएगा, और जब आप F2 निकालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका R2 आ जाएगा। तो दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे दोस्तों, आप दोनों इक्वेशन को निकाल के, तो F2 अपॉन F1 करेंगे आप, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा दोस्तों, आपके देखिए सारा जो कांस्टेंट है वो आपका कट जाएगा, क्योंकि आपका चार्ज भी बराबर है, तो आपका Q1 Q2 भी कट जाएगा। तो केवल आपका बचेगा दोस्तों R1 अपॉन R2 का स्क्वायर बचेगा। और आपको मालूम है दोस्तों जो आपका R2 है वो R1 का आधा है, ऊपर आपको बता दिया हमने, तो R1 अपॉन 2 कर देंगे आप R2 की जगह पे स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से दोस्तों आपका R1 भी कट गया, तो बचा गया दोस्तों 1 अपॉन 2 दोस्तों आपका नीचे है, तो आपका ऊपर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आपका आ गया, अर्थात ये आपका 4 बन गया। तो आप देखते हैं दोस्तों F2 अपॉन F1 बराबर क्या आ गया, आपका 4 आ गया। आप देखेंगे ध्यान से यहाँ पर देखिए आपको मिलता है F1 और अपॉन दोस्तों F2 बराबर आपका 4। तो यहाँ से दोस्तों आपको मिलता है जो F1 है वो आपका दोस्तों क्या है, 4F2 बन गया। अर्थात यहाँ से आपको पता लगता है दोस्तों जो प्राथमिक रूप से जो आपका बल था, शुरू में बल था जो आपका F था, उसका दोस्तों बाद में 4 गुना हो गया। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। यदि आप दूरी आधी कर देंगे दोस्तों तो बल आपका 4 गुना बढ़ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप यहाँ पर, वह ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज विभांतर पर त्वरित करने पर प्राप्त होती है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई एनर्जी है, मान लीजिए आपने कोई इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को लिया दोस्तों, इसको आपने 1 वोल्टेज ऊर्जा दे दी, ये दोस्तों पावर दे दी आपने, तो ये देने के बाद में ये क्या होगा दोस्तों, एक्सेलरेट होगा अर्थात त्वरित होगा। तो त्वरित होने के बाद में दोस्तों इसको जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जो एनर्जी ये दोस्तों गेट करता है, प्राप्त करता है, वो दोस्तों आपको बताने क्या होती है। या आपकी दोस्तों 1 MeV होगी, या फिर आपका 1 eV होगी, या फिर 1 C होगी, या फिर कोई नहीं, ये दोस्तों आपके यहाँ पर होती है 1 eV दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब आपका एक प्रकार से दोस्तों ये आपकी गतिज ऊर्जा है, जो गतिज ऊर्जा आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv², लेकिन दोस्तों जब आप आवेश की बात करते हैं तो आपका जो काइनेटिक का फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका यही हो जाता है। तो ये आपको ध्यान देना है। और वैसे दोस्तों कभी कभार आपको बदलने को आता है, आपको पूछा जाता है कि बताइए जो आपका 1 eV है वो कितने जूल के बराबर होगा। तो इसके लिए आप सिंपल क्या करेंगे दोस्तों, 1 eV इक्वल टू क्या होता है आपका, ई की जगह पर आप मान रखेंगे 1.6×10⁻¹⁹ का, जो कि आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और ये दोस्तों आपका जूल में आ गया, तो ये आपका जूल में होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। वैसे ही दोस्तों आपका जो मेगा में होता है, तो 1 MeV बराबर होता है दोस्तों आपका 10⁶ eV। तो यहाँ से दोस्तों आप कन्वर्ट करके इसे भी निकाल सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर जूल में निकालना होगा दोस्तों मेगा को, तो देखिए आपका 6 पावर आप कम कर देंगे, तो यहाँ पर आपका बचेगा 10⁻³, तो 1.6×10⁻³ दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, जूल में दोस्तों आपका 1 MeV आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपको पूछे जाते हैं, इनको आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विद्युत परिपथ में धारिता का मात्रक क्या होता है। धारिता मतलब दोस्तों आपका देखिए, पहले समझेंगे आप, एक कैपेसिटर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, धारिता मतलब संधारित्र के बारे में पता होगा आपको। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए डिवाइस है, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों आप दो प्लेटें लिया आपने दोस्तों जो कि आपकी यहाँ पर देखिए कंडक्टिव हैं। अब यहाँ पर देखिए, जब आप यहाँ पर एक वोल्टेज देते हैं केवल एक प्लेट में आपने दिया, मान लीजिए आपने धनात्मक आवेश दिया, तो ये दोस्तों आपकी धनात्मक रूप से चार्ज हो जाएगी, और दूसरी प्लेट दोस्तों खुद ही प्रेरण के कारण क्या होती है, ऋणात्मक हो जाती है, और जो आपका बाहर धनात्मक वाला आवेश होगा दोस्तों वो आपने पृथ्वी में कनेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से दोस्तों एक डिवाइस बन दिया, जो कि क्या करती है दोस्तों, इन प्लेटों में क्या होता है, आवेश आपका यहाँ पर संरक्षित रहता है, अर्थात एक प्रकार से आप कहते हैं दोस्तों ऊर्जा जो है वैद्युत ऊर्जा के रूप में ये दोस्तों पावर को अपने पास में रखते हैं। तो इसी को दोस्तों आप कहते हैं, जितनी पावर रख पाएंगे वही दोस्तों आपकी कैपेसिटी कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है C/Q/V, अर्थात दोस्तों आपका जितना आवेश ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा दोस्तों आपका सी कैपेसिटी भी होगी। तो ये आपका यहाँ पर होता है। तो आपको मात्रक बताना है दोस्तों, ओम होगा, टेस्ला होगा, फेराड होगा, एम्पियर होगा, ये दोस्तों आपका होता है फेराड। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप, क्यों आवेश का कोई कण वेग v से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समान गति से गति कर रहा है, तो उस पर लगने वाला जो बल है वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कोई आवेश है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई, ये आपका क्या है b है दोस्तों, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। अब यहाँ पर देखिए कोई q आवेश का चार्ज जो है आता है यहाँ से v वेलोसिटी के साथ में और समांतर बिल्कुल दोस्तों प्रवेश करता है। समांतर कहने का मतलब है दोस्तों आपका 0 डिग्री के एंगल पर, एक लाइन के ऊपर एक लाइन होगी तो आपका एंगल 0 बनता है, तो थीटा बराबर 0 है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपका बल लगेगा उस पर वो क्या लगेगा। दोस्तों आपको पता होगा जब भी आपका मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज प्रवेश करता है तो उसके लिए जो आपका बल का फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, एफ बराबर क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको क्यू वी बी से कोई मतलब नहीं, यहाँ पर आप केवल एंगल को ही देखेंगे, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर आपको क्या है, क्या दिया है, 0 है, तो 0 का मतलब दोस्तों आपका साइन 0 का मान आपको बताऊंगा 0 होता है, तो पूरी क्वांटिटी दोस्तों आपकी 0 हो जाएगी, अर्थात दोस्तों आपका जो बल एफ है वो आपका 0 हो जाएगा। कब, जब दोस्तों ये समांतर प्रवेश करेगा, 0 डिग्री के एंगल पे प्रवेश करेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका शून्य वाला, सी वाला सही हो जाएगा। और वैसे दोस्तों यदि आपका 90 पर प्रवेश करता है वहाँ पर आपका सर्वाधिक बल दोस्तों वहाँ पर लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अमीटर आपको पता होगा दोस्तों जो कि विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है दोस्तों, सीधा एम्पियर में बताता है। तो आपको कभी क्वेश्चन आता है कि बताइए अमीटर का क्या कार्य होता है, ये दोस्तों आप कह देंगे धारा मापी के रूप में आप प्रयोग करते हैं, जो कि आपका एम्पियर में सीधे धारा को बताता है। अब आपको बताना कि परिपथ में, मान लीजिए आपको कोई परिपथ यहाँ पर दिया है, वहाँ पर दोस्तों आपको धारा का मान बताना है, तो आप कैसे बताएंगे दोस्तों उसमें अमीटर को आप कैसे जोड़ेंगे आपको बताना है। इसमें दोस्तों आप अमीटर को देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम मतलब दोस्तों आपका श्रृंखला में जोड़ते हैं, आप सीरीज में दोस्तों जोड़ते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा दोस्तों आपका जो धारा होती है आपको पता होगा धारा V डायरेक्टली होती है I की, तो आपका श्रेणी में जुड़ेगा दोस्तों, तो उससे क्या होगा आपका अधिकांश जो धारा होगी वो अमीटर से होते हुए जाएगी दोस्तों और वो सही सही पढ़ पाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम क्या है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप ध्यान देंगे, एम्पियर मैक्सवेल कहा गया है, यदि आपका केवल एम्पियर का आता है तो आपका एम्पियर का देखिए चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या बताया था एम्पियर ने, एम्पियर ने बताया था दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र जो आपका होता है किसी भी बंद परिपथ के लिए, मान लीजिए कोई बंद परिपथ है, कोई यहाँ पर बंद सर्किट है दोस्तों, तो इसमें से जो आपका गुजरने वाला विद्युत धारा के बाद में गुजरने वाला जो उत्पन्न होने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है बंद परिपथ के लिए, वो आपका बी डॉट डी एल इक्वल टू दोस्तों आपका म्यू जीरो आई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पूछा गया एम्पियर मैक्सवेल का, मैक्सवेल ने बाद में बताया था दोस्तों एक धारा दोस्तों जो कि आपके चुंबकीय क्षेत्र के परिवर्तन से दोस्तों उत्पन्न होती है उसे आप विस्थापन धारा कहते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर देखिए लगातार धारा प्रवाहित करते हैं तो वो दोस्तों आपकी कम या ज़्यादा होती है, तो उससे क्या होता है दोस्तों एक बाहरी बाहर क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, अर्थात दोस्तों आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो कि आपका लगातार बदलने से दोस्तों एक और धारा बहती है जो कि आपकी आईडी कहलाती है, अर्थात दोस्तों आपकी विस्थापन धारा कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाती है, तो इसे आप आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं और जो आपकी परिपथ होती है दोस्तों उसे आप आईई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बताते हैं दोस्तों कि जब आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक आईडी भी उत्पन्न होगी, तो जो आपका धारा कुल होगी दोस्तों वो आपकी एफ बी डॉट डी एल बराबर क्या होगी, ये आपका दोस्तों म्यू जीरो आईई प्लस आईडी होती है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये आपका दोनों का मिला के दोस्तों लॉ बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका म्यू जीरो के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई यहाँ पर की नहीं थी तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा म्यू जीरो, और ये आपका दोस्तों अंदर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आप, प्रकाश की चाल दर्शाता है, प्रकाश की चाल मतलब दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वाला जो डेरिवेशन है वो बताता है कि प्रकाश की चाल ये होती है। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको जो दिए हैं इनमें से आपका हो जाएगा सी बराबर होता है दोस्तों आपका 1/μ0ε0 अंडर रूट, जहाँ पर दोस्तों आपका म्यू जीरो क्या है दोस्तों ये आपका चुंबकशीलता है, ये दोस्तों आपकी चुंबकशीलता है जो कि आपकी दोस्तों कहाँ पर होती है निर्वात में, अर्थात दोस्तों वैक्यूम में होती है, तो वैक्यूम में दोस्तों आपकी जो चुंबकशीलता है वो आपकी म्यू जीरो है, और वैसे दोस्तों आपकी एप्सिलॉन जीरो वैद्युतशीलता होती है दोस्तों, तो वैद्युतशीलता यहाँ पर देखिए आपका क्या है दोस्तों एप्सिलॉन जीरो है, तो दोनों को ही आपको समझना है। तो इनका दोस्तों यदि आप वर्गमूल निकाल देंगे गुणा करके तो 1/ करके दोस्तों यही आपको सी देता है, और आपको पता होगा दोस्तों प्रकाश की जो चाल होती है क्या होती है 3×10^8 m/s, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपका बार बार क्वेश्चनों में इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इनमें दोस्तों आपका देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एप्सिलॉन जीरो को हमने इस प्रकार से लिखा है तो आप नोट कर लेंगे, तो ये आपका सही संबंध होता है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दो संधारित्रों C1 तथा C2 को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है, तो आपको सही क्रम दोस्तों यहाँ पर बताना है। आपको दोस्तों हमने पहले ही बता दिया था, जो आपका संधारित्र होता है अर्थात जो आपके कैपेसिटर होते हैं दोस्तों, दो प्लेटें होती हैं, वो आपको पूरा बता दिया गया हमने। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है C1 यहाँ पर है, आपका एक और प्लेट आपने जोड़ दी यहाँ पर C2 को क्रम में जोड़ दिया, तो ये दोस्तों आपको बताना है कि किस प्रकार से ये क्या देगा दोस्तों, आपको क्या फॉर्मूला देगा आपको बताना है। C यदि आपको निकालना है पूरा तो क्या होगा परिपथ में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए, जो श्रेणी क्रम के लिए होता है दोस्तों, आपको पहले हमने बता दिया था C बराबर दोस्तों आपका Q बट्टा V होता है, तो ये दोस्तों आपको क्या देता है, C1/C बराबर 1/C1+1/C2। यदि आप दोस्तों C बराबर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C1C2/C1+C2, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और वैसे ही दोस्तों यदि आप निकालते हैं समांतर क्रम वाले को दोस्तों, तो समांतर क्रम में क्या होता है देखिए, समांतर क्रम में दोस्तों ये आपका मान लीजिए इस प्रकार से जुड़े हैं समांतर क्रम में, तो यहाँ पर दोस्तों आपका C बराबर होता है C1+C2+C3, इस प्रकार से दोस्तों आपके होते हैं। तो आपको ध्यान देना, एक प्रतिरोध में दोस्तों आपने पढ़ा होगा, प्रतिरोध में क्या होता था दोस्तों, आपका श्रेणी क्रम में होता था R=R1+R2। तो इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि हो सकता है यहाँ पर भी आपका इस प्रकार से होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो आपका प्रतिरोध होता है दोस्तों, आपको पता है V=IR होता है, तो R क्या होता है दोस्तों, V/I होता है। अब यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका प्रतिरोध है दोस्तों, वो आपका वोल्टेज का अर्थात विभवांतर का दोस्तों अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि यहाँ पर आप देखते हैं C जो है दोस्तों आपका V का व्युत्क्रमानुपाती है, तो इसीलिए दोस्तों आपका ये अंतर होता है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे, और भी इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों आपको लगातार बताते रहेंगे, हमारे साथ भी बने रहेगा। ओके थैंक्स, जय हिंद जय भारत।